मोदी सरकार विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते थकती नहीं है, लेकिन मोदी राज में रोड बनाने में एक ऐसे खेल का पता चला है जिससे लोगों के होश उड़ गए हैं। द्वारिका एक्सप्रेस रोड बनाने का खर्चा सुनकर लोग हैरान रह गए हैं। मोदी राज में बनने वाले इस हाईवे के 1 किलोमीटर के निर्माण में 251 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस सड़क के निर्माण में बड़े घोटाले का आरोप मोदी सरकार पर लगाया है। आप नेताओं का कहना है कि क्या सरकार सोने की सड़क बना रही है जो 1 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे बनाने में 251 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। पिछले 10 साल से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनी है, तब से लगातार नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार करने में लगे। आज ये एक्सप्रेस हाईवे है, इसको द्वारका एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं। इस एक्सप्रेस हाईवे को 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनना था, लेकिन मोदी जी की सरकार में ये 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर बन रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हाईवे में मोदी जी ने करा है, देश के लोग जवाब मांग रहे क्या मोदी जी ये सोने की सड़क बना रहे हो? 18 करोड़ से आपने सीधा 251 करोड़ रुपए में सड़क बना दी 1 किलोमीटर, ऐसा क्या लगा दिया आपने? ऐसी कौन सी सड़क सोने की बना दी आपने? आज हम इस मिट्टी को लेके जा रहे हैं, इस मिट्टी की सोगंध खा रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी को हम देश से हटाएंगे नहीं, जब तक नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट सरकार को हटाएंगे नहीं, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता चुप बैठने वाला नहीं है। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, आज कसम खाते हैं, सोगंध खाते हैं कि मोदी जी जब तक आपकी भ्रष्ट सरकार को हम हटाएंगे नहीं, हम हिलने वाले नहीं है। रोज आपके भ्रष्टाचार को एक्सपोज करेंगे, रोज आपके करप्शन को एक्सपोज करेंगे। जिस तरीके से आपने पूरा देश आज दो उद्योगपतियों का उन्हें बेच दिया, ये अपने आप में अपने देश के लोगों से बहुत बड़ा धोखा करा। देश के लोगों को आपने बहुत वायदे करे थे, लेकिन एक भी वायदे को डिलीवर नहीं करा। आपके आने के बाद देश में गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है, लेकिन आप और आपके दोस्त भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है। पूरी की भारतीय जनता पार्टी करप्शन का सिंबल बन गई है, और मोदी जी ने तो ये कह दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी में रहेगा उसे करप्शन करने का लीगल लाइसेंस मिल जाएगा। इस तरीके की सोच जब देश की प्रधानमंत्री होगी, देश का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं मोदी जी चुप बैठने वाले हैं, आपके एक भ्रष्टाचार को एक्सपोज करेंगे। जय हिंद जय भारत। खबरों के मुताबिक कैग ने अपने लेखा परीक्षण में यह पाया है कि NHAI के द्वारका एक्सप्रेस के हरियाणा वाले हिस्से को एलिवेटेड रोड के निर्माण लागत को बढ़ाकर 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया, जबकि पुराना अनुमान 18 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति किलोमीटर लागत का था। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मामले पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। वहीं कैग की रिपोर्ट को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने नकार दिया है। मंत्रालय का कहना है कि कैग की रिपोर्ट में कई तकनीकी खामियां हैं, इसके अलावा उसने इसमें अन्य खर्चों की लागत को ऐड नहीं किया है। ऐसे में प्रोजेक्ट की लागत को अधिक बताना गलत है, क्योंकि मंत्रालय ने तो पूरे प्रोजेक्ट में 12% की बचत की है। सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन 1 किलोमीटर रोड बनाने में 251 करोड़ रुपए के खर्च की बात किसी के भी गले नहीं उतर रही है। सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ताकि असली खर्च का हिसाब किताब जनता को मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, QIV नेटवर्क। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, आज कसम खाते हैं, सोगंध खाते हैं कि मोदी जी जब तक आपकी भ्रष्ट सरकार को हटाएंगे नहीं, हम हिलने वाले नहीं है। रोज आपके भ्रष्टाचार